This is common. So this word come from Greek word adelphos. Adelphos means brother. Brother in Greek. And if I break this word, then it become ad plus alphos, or in English I write better, ad plus alf. So ad mean sometime two word, or sometime we take in, and alf means this is warm. It is ancient Greek. Alf is, or alphos, actually it is alphis. So alphis is warm. So this is in Greek I write is like this, alphis. Alphis is warm. So in warm, or ad mean like here you can say it is like same warm. The brother came from the same womb. So this is brother. Now this common word we already have noticed, adelph is brother, and therefore this ik is added extra. That mean what is the meaning? This is mean brotherly. That mean we can say brotherly. Brotherly. Now, this is adelph means brother, and this is gemi. This is also the Latin, Greek word gamos. That is, this means marry. Marries. So, this adelphogamy means marriage in brother and sister. So this means marriage in brother and sister, or इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि एक औरत कई भाइयों से शादी करे. मतलब ये कह सकते हो कि जैसे द्रौपदी ने पांच भाइयों से शादी की, तो ये कई भाइयों से गैमी है, शादी कई भाइयों के साथ, या हम इस रिश्ते को कह सकते हैं भाई और बहन की शादी. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैरिज बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. मैरिज दिस इज लिटल लार्ज आई राइट marriage of brother and sister. Now this is adelphophagi. Now this phagi word, actually it is phagus. So the root word I write, this mean eat. So adelphophagi mean भाई को खाना. So ये actually this is normally in zoology, like in some animals,
or birds in the womb, if there are many many embryos, और आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चे जो जो यूट्रस में होते हैं या वोम में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो वो एक दूसरे को अपना जीवन बचाने के लिए खाते हैं। तो ऐसा होता है कि ये जो वर्ल्ड है इसको हम कहेंगे कि भाई को खाना, भाई को खाना, ईटिंग द ब्रदर। तो इसका मतलब ये हुआ eating the brother। अब ये एक्चुअल में होता कहाँ है? ईगल में भी ये है। ईगल में मान लिया कि तीन बच्चे अगर हैं एक ईगल के, तो अपने लाइफ को बचाने के लिए एक जो स्ट्रोंग बच्चा होगा वो कमजोर बच्चे को खा जाएगा। तो ये ऐसा होता है। अब ये है एडेल्फो पोएसिस। सो पोएसिस का मतलब है, पोएसिस का मतलब है, इसका मतलब है रखना। ये पोनो की तरह ही है, पोनो की तरह ही है। तो इसको हम जोड़ना भी कह सकते हैं, जोड़ना, बनाना, इस टाइप का मतलब है पोएसिस। एक्चुअली ये पोएट्री जो वर्ल्ड है उसके लिए होता है। पोएट्री की जैसे हम लाइन जोड़ते हैं तो उसको हम पोएसिस बोलते हैं, और पोएज भी बोलते हैं इसको हम। तो पोएट वर्ड भी इसी से आता है। तो ये हुआ यूनियन ऑफ ब्रदर्स। और यहाँ पे हम कह सकते हैं मेक ब्रदरहुड। तो इसको हम कह सकते हैं यूनियन सॉरी दिस इज ओ यूनियन ऑफ ब्रदर्स। और यहां भी देखिए ये वर्ड अलग है, डाई अडेल्फोस। सो ये तो ब्रदर हो गया। यहां पे ये डाई का मतलब होता है टू। ये एक्चुअली आप कई बार वर्ड देखते हो ड्यूट और ड्यूओ, इसका मतलब टू होता है, उसी से ये डाई बनता है। तो यहां पे क्या है कि दो बनाना, दो को भाई बनाना, दो को मिलाना एक तरह से। तो ये एक्चुअल में बोटनी में जैसे हम दो पेड़ लें और उनकी एक ब्रांच, मतलब ब्रांच को ब्रांच में लगा दे एक तरह से, तो एक पेड़ बन जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एडिंग बाय एडिंग मेक वन ट्री और मेक वन ब्रदर। इसको हम कह सकते हैं यूजिंग टू मेक मेक वन, और हम इसको कह सकते हैं ब्रदर। यानी इसका मतलब मेकिंग वन ब्रदर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम दो पेड़ों को साथ बोए और उनका एक स्टेम बन जाए, एक स्टेम बना देते हैं, या एक के बीच में दूसरा लग जाता है। जैसे पीपल का जो पेड़ है वो किसी न किसी के किसी दूसरे स्टेम के अंदर उग जाता है। तो ये ऐसे है, और ये वही चीज है एक बनाना। तो ये भी ऐसा ही है, मेकिंग वन ब्रदर और इसी तरह से ये ज्यादा बना सकते हैं, मतलब कईयों को मिला के। यूजिंग पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कई पौधों को
मिला के एक तरह से हम एक पौधा बना दें तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस यानी यूजिंग मैनी मेक वन, इसको हम कह सकते हैं यूजिंग मैनी मेक वन. एक्चुअली दिस इज फॉर प्लांट, नॉर्मली फॉर प्लांट. और ये है ट्राईएडेल्फस, इसका मतलब फिर वही हुआ कि त्रिवेणी, एक तरह से आप कह सकते हो जैसे आप हिंदी में कहते हो त्रिवेणी. यानी तीन को मिला के एक पौधा बना देते हैं, एक पेड़ बना देते हैं, तो वो त्रिवेणी हम बोलते हैं, इसको ट्राईएडेल्फस हम बोल सकते हैं. तो यानी यूजिंग थ्री मेक वन. और इसका दूसरा मतलब हम ले सकते हैं त्रिवेणी. ओ माय गॉड, त्रिवेणी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं. तीन को मिला के एक एक पेड़ बना दिया तो उसको हम